नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन IAS अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि सिविल सेवाओं के पाठ्यक्रम पर आधारित राज्यपाल से संबंधित जो टॉपिक है उसका वीडियो लेक्चर पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो राज्यपाल से अब तक सिविल सेवाओं के संदर्भ में जो भी सवाल पूछे गए हैं हम उनको जो है यहाँ पर कवर करने का प्रयास करते हैं, जिससे इस टॉपिक से अभी तक पूछे जाने वाले सवालों के संदर्भ में एक समझ विकसित हो सके और आने वाली परीक्षाओं में यदि सवाल पूछा जाता है तो उसे सही करना संभव हो सके। तो हम लोग एक एक करके इन सवालों को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो पहला सवाल है कि संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधानों की मूल योजना को क्यों छोड़ दिया गया था। यानी कहने का तात्पर्य कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और ऐसी स्थिति में राज्यपाल को निर्वाचन के बजाय राष्ट्रपति के द्वारा क्यों नियुक्त किया जाता है, उस पर हम लोग चर्चा करें। इसका तात्पर्य होता कि यहाँ पर दूसरा निर्वाचन होता। जाहिर सी बात है, यदि निर्वाचन होता तो एक तो हमारे यहाँ विधानसभा का जो चुनाव होता है उसके बाद विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो उसके साथ साथ में राज्यपाल को भी बनाया जाता, तो ये भी बात सत्य है। दूसरा है कि निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। निर्वाचन जो है प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, ये खैर बहुत बड़ा मैटर नहीं है क्योंकि कई निर्वाचन होते हैं तो निर्वाचन तो मुद्दों पर लड़े ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तीसरा है कि निर्वाचित राज्यपाल अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। यहाँ पर यह समस्या हो सकती थी कि दोनों ही पद पे आसीन व्यक्ति निर्वाचन के थ्रू पद पे पहुँचते तो वहाँ पर यह समस्या उत्पन्न हो जाती कि कौन व्यक्ति वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता, तो ये समस्या उत्पन्न। और राज्यपाल को संसदीय शासन प्रणाली में काम करना था, ये भी बात सही है क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है परंतु वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रधान वो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर एक वाक्य, दूसरा वाक्य और चौथा वाक्य यहाँ पर सही है। एक तीन और जो है चार यानी कि विकल्प संख्या सी यहाँ पर सही होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। मतलब राज्यपाल जो है वो मंत्रिपरिषद के परामर्श के बगैर कार्य कर सकता है, उन्हीं को हमें बताना है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना, राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित करना, विधायिका द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए और उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के संदर्भ में राज्यपाल को कोई संवैधानिक शक्तियां नहीं दी गई हैं, ऐसी व्यवस्था आर्टिकल 143 के अंतर्गत केवल राष्ट्रपति को दी गई है जो सर्वोच्च न्यायालय से मांगते हैं। तो ऐसी स्थिति में 1, 2, 3, 4 यानी कि विकल्प संख्या ए यहां पर सही होगा और पांचवा वाक्य यहां पर गलत है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है, आर्टिकल 200 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि संवैधानिक प्रमुख, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या कार्यपालिका अध्यक्ष, तो ये राज्यपाल में ही जो है नीत होता है ये शक्तियाँ, क्योंकि इसके संदर्भ में व्यवस्था बनाई गई है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ जो है वो राज्यपाल में नीत होगा, जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से जो है करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कार्यपालिका जो शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल में नीत हैं और वास्तविक जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। अगर केवल कार्यपालिका शब्द दिया है तो राज्यपाल हो जाएगा, अगर नाममात्र की कार्यपालिका दिया है तो भी राज्यपाल होगा, लेकिन अगर वास्तविक दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि भारत के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। नहीं, उसे नागरिक जन्म से नहीं बल्कि भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 35 वर्ष, ये सही है। लोकसभा, ये नहीं, ये राष्ट्रपति के लिए है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो वाक्य 2 और 4 सही है, यानी कि विकल्प संख्या डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं
कि निम्न पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है। सही बात है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में इनका प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा लिए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप वहाँ पर उल्लिखित है। अगला सवाल है, राज्यपाल मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष जो प्रतिज्ञान लेगा, यह सही है। शपथ प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में जो है यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है, और इस तरीके से राष्ट्रपति का जो है 60 में होता है। तो यहाँ पर एक तीन और चार यानी कि विकल्प संख्या बी यहाँ पर सही है। अगले सवाल हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। तो राज्यपाल जो कि राज्य में होता है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है इसका शपथ ग्रहण करवाता है, अर्थात विकल्प संख्या सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये सत्य है और हमें यहाँ पर नहीं देखना है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। यदि राज्य संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसी पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो पदमुक्त किया जा सकता। नहीं, ये गलत है। और जो नहीं यहाँ पे पूछा और जो गलत है वही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसे राष्ट्रपति अपने पद राष्ट्रपति के द्वारा इसे नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना होता है, यानी कि राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होती तब तक वो अपने पद पर बना होता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। भारत में एक व्यक्ति एक समय में दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता, यह गलत है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की कोई व्यवस्था या कोई भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया, ये वाक्य पूर्णतः सत्य है और IAS 2003 की परीक्षा में सवाल पूछा गया है। और अगला है, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल के द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है, नहीं। तो यहाँ पर सी जो है ये सही वाक्य है, जिसके बारे में ये प्रावधान किया गया है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की कोई प्रक्रिया उल्लिखित नहीं है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, यानी कि एक ऐसी शक्ति है जो अपने विवेक से राज्यपाल के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन निरूपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना है, मंत्रियों की नियुक्ति नहीं, क्योंकि ये राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। अगला है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को, यानी कि कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना सही है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। तो यहाँ पर 1 और 3 विकल्प संख्या बी सही है, बाकी अन्य कार्य के संदर्भ में उसे मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री के द्वारा इसे परामर्श दिया जाता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। ऑर्डिनेंस अध्यादेश ये राज्य की विधायिका के द्वारा और जब राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है तो वहाँ पर संसद के द्वारा उसका जो अनुमोदन होना आवश्यक है। अध्यादेश 6 सप्ताह के अंतर्गत ही जो है होना चाहिए और वह 6 सप्ताह के अंतर्गत विधायिका के द्वारा उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। और यहाँ पर ये ध्यान में रखना होता है कि एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में जो 6 माह का अंतराल होता है, तो कोई भी अध्यादेश जो होता है वो अधिकतम 6 माह और प्लस 6 सप्ताह यानी कि 7.5 महीने का अधिकतम हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक सदन का एक सत्र समाप्त होने के तत्काल बाद कानून की कोई आवश्यकता हो जाए और उस पर जो है कोई अध्यादेश जारी किया जाए, तो वहाँ पर वो 6 महीने के बाद ही दूसरा सत्र होगा और दूसरे सत्र के बाद भी 6 सप्ताह का समय मिलता है, अर्थात अधिकतम जो है वो 7.5 माह का जो है उस पर समय मिल जाता है।
अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, वह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर रहता है, उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं, वह सामान्यतः अपने पद पर 5 साल। ये निश्चित तौर पर सभी इसमें विकल्प जो वाक्य के रूप में दिया गया है सही है, अर्थात इसमें सभी वाक्य जो है सही होंगे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। राज्यपाल राज्य की विधायिका का अंग होता है, विधान सही बात है, जैसे राष्ट्रपति होता है उसी तरीके से, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये वाक्य जो है गलत है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता, यह भी सही क्योंकि राष्ट्रपति करता है। उसे आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है क्योंकि आपातकाल का प्रावधान राज्य में व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर नहीं पूछा है और जो नहीं है, जो गलत वाक्य है वही होगा, तो विकल्प संख्या बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि दो वाक्य दिया गया है और उसमें बताया गया है कि क्या उसकी व्याख्या करता है नहीं। वाक्य कथन एक, राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके किसी भी राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अब यहाँ पे यह ध्यान में रखना है कि इसके सामान्य अर्थ और विशिष्ट अर्थ होते हैं। सामान्यतः यही चीज़ कहा गया है कि अपने पद पर कार्य करने के दौरान उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, लेकिन उसमें एक परंतु भी जोड़ा गया है, जैसे कि इसमें लिखा गया है किसी भी कार्य के लिए। तो ऐसा आपराधिक और सिविल दो प्रकार के मामले हैं, आपराधिक मामलों में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन विशेष परिस्थिति में यह है कि उसके द्वारा अगर कोई कार्य कभी किया गया है व्यक्तिक हैसियत में, उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, तो सिविल कार्यों में उसके खिलाफ जो है मुकदमा चल सकता है, परंतु उसके लिए उसको 2 माह की नोटिस देना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर इस वाक्य को व्यापक अर्थों में देखा जाए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उसके किसी भी कार्य के लिए मुकदमा, तो ये वाक्य अपने आप में गलत हो जाता है, क्योंकि सिविल कार्यों के लिए 2 माह की नोटिस के बाद जो है चलाया जा सकता है। इसी तरीके से अगला वाक्य है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को उसके असंवैधानिक कृत्यों के लिए पदमुक्त किया, ये वाक्य अपने आप में सही है। तो अब यहाँ पर ये सवाल उत्पन्न होता है कि जो भी कंडक्टिंग बॉडी है, जो हमारी एग्जामिनेशन करवाने वाली संस्था है, वो इसको किस रूप में लेती है, और ऐसे सवालों को दे करके ही सवालों को विवादित बना दिया जाता है। लेकिन अगर वास्तव में इस प्रश्न का विश्लेषण किया जाए तो वाक्य संख्या एक यहाँ पर गलत होता है और बी सही होता, अर्थात डी यहाँ पर इसका जो है सही उत्तर होगा। लेकिन यदि इसको सामान्य अर्थों में लिया जाए तो यहाँ पर ये बी जो है विकल्प सही हो जाता है, क्योंकि दोनों वाक्य सही है, यद्यपि उसकी व्याख्या तो नहीं करता है, लेकिन हम सही को ही ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि हमारे पास नॉलेज सही होना चाहिए, उसकी व्याख्या और विश्लेषण सही होना चाहिए, लेकिन जानकारी भी होना आवश्यक है। और लोक सेवा आयोग कई बार इसका उत्तर जो है बी को ही माना हुआ है। अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो राज्यपाल के वेतन और भत्ते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स यानी राज्य की संचित निधि से ही दिया जाता है, इसमें कोई भी बात नहीं है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, एक बार पुनः बताया गया कि राज्यपाल अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी नियुक्ति होती है तो वो उसी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होगा और वो होगा राष्ट्रपति। लेकिन मंत्री, चूँकि मंत्री का जो पद होता है वो विधानमंडल से लिया गया होता है और विधानमंडल के सदस्य जनता के द्वारा चुने गए होते हैं, इसलिए वहाँ पर उत्तरदायित्व जो होता है या उनकी जवाबदेही जो होती है वो जनता के सदन अर्थात राज्य में विधानसभा के प्रति होती है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर, तो ये राज्यपाल ही है, इसमें कोई भी बात नहीं है। अगला सवाल है, भारत के संविधान में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है और राष्ट्रपति अपनी इच्छा से इसे पद से हटा सकता है। और है राष्ट्रपति के विरुद्ध मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, सभी के विरुद्ध जो है यहाँ पर अभियोग चलाए जा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। किसी राज्यपाल को उसके पदावधि पूर्व होने से नहीं पद हटाया नहीं जा सकता है, पूर्व पद नहीं, ये वाक्य गलत है, इसको जो है हटाया जा सकता है। तो कोई राज्यपाल राज्य 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर नहीं रह सकता, ये भी वाक्य गलत है, क्योंकि उसे दूसरे कार्यकाल के लिए भी वहीं उसी राज्य में नियुक्त किया जा सकता है। आईएएस 1995 में सवाल पूछा गया और दोनों ही वाक्य इसमें जो है गलत है। अगला सवाल है कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है
कि भारत में अगर देखा जाए कि पहली महिला राज्यपाल तो ये सरोजिनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की पहली राज्य पहला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, यानी कि तीन प्रकार के सवाल यहाँ से बन सकते हैं। एक तो ये कि भारत का पहला राज्यपाल, जो भारत का पहला महिला, यानी कि भारत में बनने वाली पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू होंगे, एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल बनेगा उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, तो ये भी जो है सरोजिनी नायडू होगा। और तीसरा सवाल बन गया, उसमें महिला ना भी जोड़ा गया हो तो भी उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल, तो भी सरोजिनी नायडू ही होगा इसमें। तो इसमें विकल्प संख्या सी सही होगा। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को, प्रतिवर्ष जो है 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सवाल कई बार जो है परीक्षा में पूछा भी गया है, और ऐसे सवालों को जो है ध्यान में रखना चाहिए। सामान्यतः वन डे टाइप के एग्ज़ाम में भी जो है यहाँ से, वन डे टाइप के एग्ज़ाम में भी जो है यहाँ से जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवालों को ध्यान में रखना है कि भारत में किसी भी राज्य की पहली 13 फरवरी को किस महिला का जो है जन्मदिन जो है मनाया जाता है। तो ऐसे सवालों को हमें ध्यान में रखना है। ये तथ्यात्मक सवाल है, लेकिन हमें ऐसे सवालों को भी जो है याद रखने की आवश्यकता होती है, ताकि सवाल जो है परीक्षा में जो है गलत ना होने पाए। तो इस सवाल का जो है सही उत्तर यही है कि सरोजिनी नायडू का जो जन्मदिन है वो 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इनका जो जन्म था वो 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हुआ था, और 13 फरवरी को उनके जन्मदिवस तथा स्वतंत्रता आंदोलन तथा भारतीय राजनीति में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए महिला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 164 के अंतर्गत किया जाता है। सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग की भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और भारत महान्यायवादी यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन, एक और वाक्य यहाँ पर आया हुआ है कि महान्यायवादी। अब यहाँ पर ये भी जो चौथा वाक्य दिया गया ये भी गलत है, क्योंकि महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो अब यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और महान्यायवादी दोनों ही विकल्प को यहाँ पे गलत कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर लिखना चाहिए था एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट, यानी कि महाधिवक्ता। महान्यायवादी के स्थान पर ये इस विकल्प का उत्तर महाधिवक्ता होना चाहिए, जो कि 165 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है, जिसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा जो की जाती है। तो यहाँ पर विकल्प जो है सी सही हो जाता है। ऐसे ही सवाल देकर के प्रश्न को गलत बना दिया जाता है, और कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, कई बार आंसर की जारी करना पड़ता है। फिर भी आप अपने स्तर पर इस उत्तर को जानने का ये प्रयास कीजिए कि यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और महान्यायवादी दोनों की ही नियुक्ति देखा जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। अगर कूट वाले सवाल होते तो इसमें विकल्प सी और डी जिन भी विकल्पों में होता वही उत्तर जो है सही होता। फिर भी हमको ये ध्यान में रखना है कि क्या सही है और क्या नहीं सही है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग विभिन्न प्रकार के सिविल सेवाओं, जो चाहे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, विभिन्न प्रकार के राज्यों के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले लोक सेवा आयोग से संबंधित सवालों को हल करने का हम लोगों ने यहाँ पे प्रयास किया, और देखा कि किस तरीके से बहुआयामी प्रश्न बन सकते हैं, उनको हम लोग किस तरीके से हल कर सकते हैं। इसके पूर्व में ही सिविल सेवाओं के पाठ्यक्रम पर आधारित इसका वीडियो लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, उस वीडियो लेक्चर को भी आप लोग देख लीजिए, और उस देखने के बाद इस पूरे भी क्वेश्चन को एक बार पुनः जो है सॉल्व कर लीजिए, जिससे यहाँ से उठने वाले किसी भी प्रकार के सवाल आपको लोक सेवा आयोग में गलत नहीं होंगे। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, और पुनः हम अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को नई दिशा में ले जाते रहिए। नमस्कार।